नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सापला शहर के रोहतक रोड वार्ड नंबर 13 में बेरी रोड चौक पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में दो मजदूरों को करंट लगने की सनसनीखेज खबर है। बिल्डिंग की बाहरी दीवार के साथ गुजर रही हाई वोल्टेज तारों ने दो मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। इनमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय निवासियों की सहायता से घायलों को उपचार के लिए CHC सांपला भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालत को देखते हुए उसे PGI रोहतक रेफर किया। वहीं मृतक मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए PGI शव गृह भेजा गया है। आपको बता दें कि दिनेश सुपुत्र आत्माराम खेड़ी सांपला निवासी वार्ड नंबर 13 रोहतक रोड पर एक बिल्डिंग बना रहा है। इसका ठेका लीला ठेकेदार निवासी जुलाना को दिया गया है। सुबह के समय बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर मजदूर शटरिंग का सामान रख रहे थे, तो अचानक मजदूर का संतुलन बिगड़ा और इस दौरान लोहे का गार्डर निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार के साथ लगती हुई वोल्टेज बिजली की तार को लग गया। इसके बाद देखते ही देखते दो लोगों को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके कारण एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं साथ में काम कर रहा दूसरा मजदूर बुरी तरह से घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। जी सर, क्या सूचना मिली थी, कोई हादसा हुआ? आज ER 610 से मुझे सूचना मिली कि देरी मोड़ सांपला पर दो आदमियों को करंट लगने के कारण एक की मौके पर मृत्यु हो गई और एक जो इंजर्ड है उसको CHC सांपला भेज दिया गया इलाज के लिए। पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर मृतक जो डेड बॉडी थी उसको CHC सांपला पहुंचाया गया। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिसको पोस्टमार्टम के लिए PGI में रोहतक भेज दिया गया। हादसा किन कारणों से हुआ है, क्या कुछ कारण थे? करंट लगने के कारण है। कहीं बिल्डिंग पे सुना है कि बिल्डिंग पे काम चल रहा था और बिल्डिंग है जो इलीगल का नोटिस भी आया हुआ था। बिल्डिंग पे काम चल रहा था, इसके बारे में अभी जांच जारी है, तफ्तीश के बाद में जो आए बता। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।